दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की गलतफहमी है कि अंडे से मुर्गी का बच्चा निकलता है, तो सब लोग उसे मांसाहारी मानते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत हो। अगर आपको सच्ची में जानना हो अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी है, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें। दोस्तों, आपको बता दें कि बाज़ार में मिलने वाले ज़्यादातर अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, मतलब उनसे कभी भी चूजे नहीं निकल सकती। हाल ही में वैज्ञानिकों ने साइंस के जरिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है और उनके मुताबिक अंडा शाकाहारी होता है। आई नो आप सोचते होंगे कि ये कैसे पता चला। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अंडे में तीन लेयर होती है, पहला छिलका, दूसरी सफ़ेदी और तीसरा अंडे की जर्दी। अंडे पर की गई रिसर्च के मुताबिक पता चला कि अंडे की सफ़ेदी में प्रोटीन होता है, उनमें जानवर का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं होता। इसलिए तकनीकी रूप से देखा जाए तो एग वाइट शाकाहारी होता है। अंडे की जर्दी में भी प्रोटीन के साथ सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैट मौजूद होता है। हालांकि अंडे मुर्गी और मुर्गे के संपर्क के बाद आते हैं, उनमें गैमेट सेल मौजूद होता है जो उसे मांसाहारी बना देता है। मुर्गी जब 6 महीने की हो जाती है तो हर 1 या 1.5 महीने में अंडे देती ही है, लेकिन उसके अंडे देने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो किसी मुर्गे के संपर्क में आए। इन अंडों को अनफर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इनमें से कभी भी चूजे नहीं निकल सकती। दोस्तों, अगर आप अभी भी इसे मांसाहारी मानते हैं तो अभी भूल जाइए, क्योंकि अंडा शाकाहारी है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।